स्टूडेंट्स, योगासन और प्राणायाम, इनका विकास करीब 2500 साल पहले मुनि पतंजलि ने हमें बताया है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनिक जो नाता जो है, जो योग के साथ है, योग मीन्स कनेक्ट, शरीर और मन का तालमेल होना, इसे ही हमने कनेक्शन यानी शरीर और मन का कॉन्सेंट्रेशन कहा गया है। आजकल बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं होता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। तो आज हम लोग अपनी योग प्रैक्टिस में मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग ये करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वार्म अप एक्सरसाइज और एक नया आसन सीखेंगे कि जो आसन जो है वो अच्छा बहुत बेनिफिट्स दिलाएगा। आइए मेडिटेशन अपने ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। कीप योर बैक स्ट्रेट, close your eyes, hands on your thighs and gently close your eyes. Back portion straight, आंखें हल्के से बंद की हुई, normal breathing या deep breathing, दीर्घ श्वसन, 3 rounds. We will chant 3 times Omkar. Rachit, breathe out. Take a deep breath. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैंट 3 times गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पामी बच्चों, अभी हमने वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ना है। आज का जो हम लोग वार्म अप एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है शोल्डर रोटेशन। जैसा कि आपको पता है, नेक रोटेशन, हैंड एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, आई रोटेशन, उसी तरीके शोल्डर रोटेशन जो है वो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो आइए वार्म अप एक्सरसाइज 1 से 4 बार, 1 to 4 और 4 to 1, ऐसा हम लोग प्रॉपरली शोल्डर रोटेशन करेंगे, बराबर है। पहले 4 बार हम लोग 1 to 4 क्लॉकवाइज और बाद में 4 to 1 एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3,
फोर, थ्री, टू, वन। तो अभी हमने ओमकार चैंटिंग, प्रार्थना, गायत्री मंत्र और वार्म अप एक्सरसाइज शोल्डर रोटेशन सीखा, बराबर है? ठीक है। अभी हमने बेसिक अपना जो ध्यान यानी मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, गायत्री मंत्र, वार्म अप एक्सरसाइज, आज हमने कौन सा सीखा? करेक्ट, आज हमने शोल्डर का हमने वार्म अप एक्सरसाइज देखा। और अब आगे बढ़ेंगे आज के नए टॉपिक की तरफ। आज का नया टॉपिक जो है, नया आसन जो है, उसका नाम है पर्वतासन। पर्वतासन, इस नाम में ही इस आसन को पर्वतासन ये क्यों कहा गया है, उसका अर्थ क्या है, ये आया। पर्वत यानी माउंटेन पोज। जिस तरीके से माउंटेन यानी पर्वत का आकृतिबंध होता है, सेम फाइनल पोस्चर में अपने शरीर का आकृतिबंध दिखता है, इसके लिए उसे पर्वतासन ये नाम दिया गया है। जिन बच्चों को अपनी हाइट बढ़ानी है, अपनी लंग्स की कैपेसिटी, अपनी फेफड़े जो है, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, अगर उनकी तबीयत अच्छी रखनी है तो पर्वतासन रोज की प्रैक्टिस में हमें करना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, पर्वतासन का प्रैक्टिकल बराबर से हमें कैसे करना है। जैसा आप देख रहे हो, टीचर ने सुखासन लिया है। टीचर सुखासन यानी साधी मांडी नॉर्मल पोजीशन में बैठी है। मंथ ऑफ अप्रैल में हमने एक आसन सीखा था, वो आसन था पद्मासन, लोटस पोज। करेक्ट, पर्वतासन फॉलो करते वक्त हमें पद्मासन में ही बैठना है, इसके लिए पहले हमें पद्मासन में प्रॉपरली बैठना है। ये पद्मासन डाला हमने, आगे बढ़ेंगे पर्वतासन के प्रैक्टिकल की तरफ। बैक पोर्शन स्ट्रेट, अपनी नजर सामने, गर्दन स्ट्रेट, और अभी हाथों की ये पोजीशन आप देख सकते हो कि ये जो पोजीशन है, अपनी रिस्ट और एल्बो जमीन को अच्छे से पैरेलल कर रहे हैं। पर्वतासन की फाइनल पोस्चर में जाते वक्त, श्वास लेते वक्त हमें अपने हाथ जो है वो ऊपर लेके जाने हैं। तो बच्चों, अभी हमने पर्वतासन कैसे करना है, पर्वतासन के प्रैक्टिकली सिस्टमैटिकली उसे कैसे फॉलो किया जाता है, उसे पर्वतासन ये नाम क्यों दिया गया है, ये सब देखा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं उसकी लाभ यानी बेनिफिट्स की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि ये आसन अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बहुत वरदान है। इस आसन को करने से पेट का मोटापा दूर होता है। इस आसन को करने से अपनी हड्डियां जो है, अपनी बोन्स जो है, वो भी मजबूत होते हैं। इस आसन को करने से अपनी छाती का विकास होता है और अपनी शोल्डर्स, अपनी कंधे जो है, उनका आरोग्य भी बहुत स्वास्थ्यपूर्ण होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सावधानियां, जब आप इस आसन को करते हुए अगर आपके हाथ झुके हुए हैं, अपनी बॉडी का फॉरवर्ड बेंडिंग हुआ है, तो ये गलत बात है, तो हमें ये ऐसा नहीं करना है। आपकी कमर बिल्कुल सीधी हमें रखनी है और अपने हाथों की अंगुलियां जो है उनको भी हमें सीधा रखना है। जब हम लोग ऐसा सिस्टमैटिकली ये पर्वतासन करेंगे तो ही अपनी हाइट अच्छे तरीके से बढ़ सकती है और उसके बेनिफिट्स जो है वो हमें मिल सकते हैं। सारांश में बच्चों, मुझे इतना ही कहना है, आसनानी समस्तानी यावंतो जीव जंतवः, आसनानी समस्तानी यावंतो जीव जंतवः, चतुरक्षितिलक्षाणी शिवेन कथितं पुरा। इस पृथ्वी के ऊपर
84 लक्ष जितने जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं का नाम अपने आसनों को दिया गया है। आसन जो है वो रोज के प्रैक्टिस में करने के बाद अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हम लोग ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।